something which my Estonian colleague said. He said that, you know, democracies work, and that's why we change governments. Believe me, in this country, we know when democracy really works, we re-elect governments. So I want to promise our European colleagues that there will be stability, there will be continuity, there will be more vision. Munich Security Conference hui hai Munich ke andar, ek Pakistani wahan pe nahi tha. India ke think tanks, India ke media, India ka foreign office, unki leadership wahan pe maujood thi. Lekin jis tarike se Dr. Jaishankar ne Bharat ko defend kara, doston ye apne aap mein ये पीएचडी है, पीएचडी। इंडिया के अंदर आए रोज, कभी ग्रीस, आज देखिए ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं वहां पे, ठीक है जी। जयशंकर जी तो अभी जो वर्ल्ड में जितने भी बड़े जियोपॉलिटिकल या फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में जो माने जाते हैं, उसमें वो टॉप करते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यूरोपियंस को इसी की तो खुजली है यार, उनकी खुजली ये है कि भाई भारत को हमने पत्थर फेंके, भारत के ऊपर भारत ने इतने पत्थर फेंके भारत ने एक महल बना लिया उसका। डॉक्टर जयशंकर के दिमाग में से बैठ जाए, डॉक्टर जयशंकर के दिमाग में आप घुस जाए फॉर एग्जांपल, और वहां पर घुस के सोचे कि डॉक्टर जयशंकर क्या एडवाइस कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। आज जब वांग यी भी स्टेज से इशारा करते हैं जयशंकर जी को, रुक जाओ मुझे मिलना है, तो इसका कारण ही ये है कि पूरा विश्व आज देखता है कि सारे लीडर्स को अगर स्टेज पे एक साथ कोई ला सकता है, चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां हमारे फॉरेन मिनिस्टर CII के एक समिट को अटेंड करते हुए उन्होंने मोदी गवर्नमेंट और भारत के इलेक्शंस को लेकर के एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जाता है डेमोक्रेसी काम करता है, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, लेकिन भारत में डेमोक्रेसी काम कर रहा है, इसलिए भारतीय लोग वापस से अपने लीडर को री इलेक्ट करते हैं, क्योंकि भारतीय लोग जानते हैं कि भारत की करंट गवर्नमेंट देश में काफी सारे डेवलपमेंट लेकर आ रही है और काफी सारे रिफॉर्म्स कर रही है, और मोदी जी की गवर्नमेंट फिर से इलेक्ट होने वाली है, काफी ज्यादा जरूरी है। भारत के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, मालदीव इस वक्त कंगाल हो चुके हैं और दर बदर भटक रहे हैं, IMF से भीख मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी कश्मीर को एक जन्नत बना रहे हैं, जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं और कश्मीर के युवाओं के लिए एक IIMs, IITs और एम्स जैसे भी बनाए जा रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। कोई इंडिया के अंदर आए रोज, कभी ग्रीस, आज देखिए ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि रोज कोई ना कोई वहाँ पे आया होता है। दे आर इमर्जिंग ग्लोबली, बहुत हाई है। मैं आपको एक बात बताऊँ, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है म्यूनिख के अंदर, एक पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं था। इंडिया के थिंक टैंक्स, इंडिया के मीडिया, इंडिया का फॉरेन ऑफिस, उनकी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी, इवन बांग्लादेश वहाँ मौजूद था, एक भी पाकिस्तानी नहीं था। क्यों? हम घर में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, असी करो एक दूसरे नाल, जो हम कहते हैं ना कि वो दस्तों गिरेबान हैं एक दूसरे के साथ, दैट्स वॉट वी आर डूइंग। हम ये दस्तों गिरेबान हैं एक दूसरे के साथ, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे, और हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, और हम क्या करें और क्या ना करें। अगर आप इंडिया के माइंडसेट में चले जाएं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर जयशंकर के दिमाग में से बैठ जाएं, डॉक्टर जयशंकर के दिमाग में आप घुस जाएं फॉर एग्जांपल, और वहां पर घुस के सोचे कि डॉक्टर जयशंकर क्या एडवाइस कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या चाहिए। डॉक्टर जयशंकर जो है ना, वो वही एडवाइस कर रहा है जो नरेंद्र मोदी एक तो ज़ाहिर बात है चाहते हैं, दूसरा उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है, तीसरा उनके इंटरनेशनल इंटरेस्ट में है, चौथा रीजनली वो जो एक चाहते हैं कि पाकिस्तान को पूरी गेम से बाहर रखो। आप देखिए, हमारी कैपेसिटी नहीं है बायलैटरली श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, नेपाल से डील करने की, क्योंकि वी कांट गिव देम एनीथिंग। इंडिया उनका नेबर है, इंडिया इज टू बिग, उनका प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा है कि दे कैन गिव सो मच टू ऑल दिस कंट्री। हम बायलैटरली इनको कुछ नहीं दे सकते, इंडिया ने ऑर्गेनाइजेशनली या मल्टीलैटरली हमें आउट कर दिया, ठीक है, और वो आउट होने जारी बात है सार को डिसफंक्शनल करके किया, और हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कोई एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म बना सकें। वी कांट मेक अ प्लेटफॉर्म, कोई प्लेटफॉर्म हम नहीं बना सकते, वी कांट डू इट, ये हमारे पास ऐसी कोई चॉइस ही नहीं है।
ठीक है ना जी। तो डॉक्टर जयशंकर के दिमाग में यही है, वो जो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारों को, जरदारी साहब को SCO के कॉन्फ्रेंस में कहा था, ही इज अ स्पोक्समैन ऑफ द टेरर फैक्ट्री, आई थिंक इस तरह का वर्ड उन्होंने यूज किया था, ये है उनकी सोच। कितना बड़ा रोल है डॉक्टर जयशंकर जी का, अपने टीम की बात की तो मुझे मतलब मैं दूर बैठा हुआ शख्स हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बड़े की प्लेयर है उनके टीम के। जी बिल्कुल, जयशंकर जी पूरी टीम ही ऐसी है, इनफैक्ट हर एक मिनिस्टर का मतलब आप मानोगे नहीं, रोड मिनिस्ट्री का जो है एयर मिनिस्ट्री के साथ कंपटीशन चलता है, एयर मिनिस्ट्री का दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चलता है, तो इट्स लाइक एक मोदी जी ने जो एक हेल्दी कंपटीशन करवा के जिस प्रकार के टारगेट्स दिए हैं, मैं बता रहा हूँ वो एंड पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, वहां से वर्क बैक करते हैं कि अगर वहां पहुंचना है तो अभी अभी ये सब स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो जिस प्रकार की उनकी इंट्रिकेट प्लानिंग होती है उसी की वजह से ये डिलीवरी हो पाती है। और जयशंकर जी तो अभी जो वर्ल्ड में जितने भी बड़े जियोपॉलिटिकल या फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेसी में जो माने जाते हैं उसमें वो टॉप करते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब ना चाइना ना रशिया ना US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी उनसे कम्पीट नहीं कर सकते, ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि भारत का एक रोल ही जोड़ने का रहा है, कभी हमने तोड़ने वाली जियोपॉलिटिक्स नहीं की। तो आज जब वांग यी भी स्टेज से इशारा करते हैं जयशंकर जी को, रुक जाओ मुझे मिलना है, तो इसका कारण ही ये है कि पूरा विश्व आज देखता है कि सारे लीडर्स को अगर स्टेज पे एक साथ कोई ला सकता है चाहे कितनी भी दुश्मनी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है और किसी के बस की नहीं। तो आप देखोगे लावरोव भी आएंगे और ब्लिंकन भी आएंगे और एक ही फोटो में जयशंकर जी के साथ खड़े भी रहेंगे, तो ये तभी पॉसिबल है कि आप एक ब्रिज बन सकते हो सबके बीच, क्योंकि कभी आपने तोड़ने वाली राजनीति करी नहीं है, आपने हमेशा जोड़ने वाली करी है। तो अगर आप जयशंकर जी को, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया तो आप जानते हो वेस्ट का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, हर बार उनको पूछा जाता है कि आप रशियन ऑयल क्यों कैसे ले सकते हो, हाउ डू यू गो, बड़ा फेमस क्लिप बड़ा वायरल हुआ था पाकिस्तान में से तो बहुत इंडिया में एक नहीं, उनको कंटिन्यूस उनको ये क्वेश्चन आता है जी। तो ये जो है जयशंकर जी बहुत साफ बताते हैं कि भाई हमारा लोकेशन अलग है, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस जो पोजीशन है पब्लिक का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें करना है, हमारे जो टारगेट्स है, आप तो डेवलप्ड कंट्रीज वहां से बोल दोगे कि नहीं लेना चाहिए, पर हमें तो प्राइसिंग भी देखना है, लोगों का जो डेली इकोनॉमिक एक्टिविटी देखना है। तो ये रियलिटी अब लोग सब समझते हैं ये चीज कि भाई वहां की रियलिटीज अलग है, आप ऐसे कोई पॉलिसी थोपने वाली बात तो भारत पे आज कर ही नहीं सकता कोई। तो आपको मानना पड़ेगा कि रशिया और US दोनों साइड को हम बैलेंस करके चलते हैं, और कुछ हद तक आपको ये भी मानना पड़ेगा कि चाइनीज के भी समझ में आ गया है कि पंगा लेना यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। फिर LAC पे देखो भारत चाइना का रिलेशन सबसे बेस्ट तभी होता है जब LAC पे जम के इनकी कुटाई होती है, तो हमने वो स्टेटस मेंटेन करा है कि जब जब आप LAC पे बदमाशी करोगे तो बराबर से पिटोगे, जवाब मिलेगा आपको। जी बिल्कुल, वैसे ही उनके साथ वही जो एक टाइमिंग होता है जी जी, तो कुटाई वाला जी, तब भी रिलेशन सबसे बेस्ट होता है तो, क्योंकि उनको पावर ही समझ में आता है।